तो सर्दियों का मौसम आ चुका है दोस्तों, और जैसे जैसे सर्दियों का मौसम और करीब आता जा रहा है, ठंड तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमारे हिमेश भाई ने सर्दियों का पूरा इंतजाम कर रखा है। तो ठंड के मौसम में हाथ सेक करके खुद को गर्म रखने के लिए हमारे हिमेश भाई ने अपनी आने वाली पिक्चर में पूरी की पूरी दुनिया में आग लगा दी है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। हाँ, हमारे हिमेश भाई का पिक्चर आ रहा है। पचास पचास कोस दूर। अच्छा, जब कोई हरामजादा ठीक है अपनी हरामी गिरी दिखाता है ठीक है, तो उसके अंडर पंटर बोलते हैं उसे, सुधर जा नहीं तो रवि कुमार आ जाएगा। ओ माय गॉड, स्टार्टिंग सीन में ही टैंक फट रहा है, हेलीकॉप्टर टूट रहा है, गाड़ियां उड़ रही है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे हमारे एवेंजर्स वाले जब थैनोस को मारने गए थे ना, तो भी टैंक और हेलीकॉप्टर लेके नहीं गए थे, यहाँ एक रवि कुमार को मारने के लिए, वो भी वो रवि कुमार जो हिमेश है, टैंक हेलीकॉप्टर बंदूक। लानत है तुम लोग पे, लानत। अरे ये थप्पड़ में बात खत्म हो जाता है यार, पर ये क्या है? सुधर जा नहीं तो रवि कुमार आ जाएगा। अरे हिमेश भाई, जब 50-50 कोस दूर के लोग तुम्हारा नाम सुनकर तुमसे डर जाते हैं, तो वो सुनने वाला नाम थोड़ा डरावना तो रखते हैं, जैसे कि शेर खान, भेड़िया सिंह, घुगा दानव। ये क्या है, रवि है? रवि नहीं तो रवि कुमार आ जाएगा। साइकिल चोर। अब आग का इस फिल्म में उतना ही रोल है जितना मेरी फूटी किस्मत का मेरी जिंदगी में, जहाँ नजर घुमा वहीं दिख जा रही है। साइकिल चोर। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। जिस चीज को लेकर के आप इतना फ्लेक्स कर रहे हो हिमेश भाई, आसान शब्दों में उसे किडनी की बीमारी बोलते हैं। डॉक्टर के पास जाकर के अपनी किडनी की थैली निकलवा के नहीं लगवाओ। रवि कुमार एक बार में मूत देता है। अरे बस कर भाई। और अगर तुम बिना किसी बीमारी के इतना मूत देते हो, तो दमकल घर में जाकर के अपना एडमिशन करवा लो ना। अरे फालतू में देश का इतना पानी वेस्ट हो रहा है, जिधर किधर भी आग लगेगा तुम वहाँ चले जाना और मूतना शुरू कर देना। I hate negativity and you are very negative. अरे रे रे, ये देखो, एक तो यहाँ इतनी भारी एक्टिंग करने की कोशिश की जा रही है और बैकग्राउंड में हिमेश भाई की एक्टिंग देख करके इसकी हंसी निकल रही है। I hate negativity and you are very negative. एक्टिंग है। साइकिल चोर। और बनाओ दोस्तों को लेके पिक्चर। जिनको गाना बनाना चाहिए वो पिक्चर बना रहे हैं, जिनको पिक्चर बनाना चाहिए वो गाना बना रहे हैं, और जिनको गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए वो वीडियो बना रहे हैं। अगर इस पूरे फिल्म में किसी एक जन ने एकदम तगड़ी वाली एक्टिंग की है, तो वो है रवि कुमार के आंखों पे लगा हुआ चश्मा, हर सीन में एकदम परफेक्ट। What a song, baby song, by Norvex, sound teacher Max, yo yo, जादूगर है। ड्रम वाले हैं ये उल्टा क्यों खड़े हैं? क्योंकि इन्होंने हिमेश भाई से रिक्वेस्ट किया था कि भैया ठीक है चलो 100-200 रुपए कम दे देना, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि चंद रुपयों के लिए मैंने बैडस रवि कुमार में काम किया था। अभी इस पिक्चर के डायरेक्टर है हिमेश रेशमिया, प्रोड्यूसर हिमेश रेशमिया, राइटर हिमेश रेशमिया, एडिटर हिमेश रेशमिया, और एक्टर भी हिमेश रेशमिया। और इस पिक्चर के रिलीज होने के बाद व्यूअर हिमेश रेशमिया, लाइक बाय हिमेश रेशमिया, कमेंट बाय हिमेश रेशमिया, सब्सक्राइब बाय हिमेश रेशमिया, और एक हफ्ते बाद डिलीटेड बाय हिमेश रेशमिया। साइकिल चोर। एक तो ये चल क्या रहा है, टैंक फट रहा है, हेलीकॉप्टर टूट रहा है, गाड़ियां उड़ रही है, बम फट रहा है, गोलियां चल रही हैं। मेरे को तो लगता है कि ये सब लोग मिलकर के हिमेश भाई को रोक रहे हैं इस पिक्चर को थिएटर में रिलीज करने से। अब देखो, तुम्हें भी अगर बैड एज
है, पता नहीं क्यों। तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक बंदूक, आंखों पे चश्मा और एक ग्रीन स्क्रीन, और फिर उसके बाद साइकिल चोर। खैर, तो अब इसके पहले कि रवि कुमार मेरे घर आकर के मेरे बैड एस पर स्पैन कर दे, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसको एक लाइक दे देना, नीचे जाकर के जो मर्जी लेकिन एक कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से कर लेना, और पिछला वाला रोज वीडियो अगर नहीं देखा तो यहाँ से वो भी देख लेना। मैं तुम्हें से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप काम एंड स्टे फेड अप।